नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज का दोस्तों टॉपिक है व्हाट इज ए ब्रेकआउट। दोस्तों ब्रेकआउट जैसे नाम है वैसे उसके गुण है, और दोस्तों ब्रेकआउट बहुत ही अलग अलग टर्म के होते हैं, बट आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों ब्रेकआउट में एक फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है दोस्तों, जहाँ पे बंदे ट्रैप होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ट्रैप नहीं होना है और कंटिन्यूस लगातार मार्केट में पैसे बनाना है, तो क्या सटीक स्ट्रेटजी है जिसके जरिए आप ब्रेकआउट के जरिए पैसे बना जा सकते हो, उसका विथ एग्जांपल दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों तो ब्रेकआउट, व्हाट इज ब्रेकआउट, मैंने दोस्तों जनरल डेफिनेशन गूगल में टाइप किया है, आप भी ये टाइप करोगे आपके सामने ऐसा ही स्क्रीन आएगा। ब्रेकआउट इज व्हेन द प्राइस मूव्स अबोव अ रेजिस्टेंस लेवल और बिलो अ सपोर्ट लेवल। यानी कि दोस्तों कोई भी प्राइस होता है 10 रुपये का, तो वहां पे दोस्तों एक रेजिस्टेंस अगर बना हुआ है, यानी कि दोस्तों वहां पे बायर्स और सेलर के बीच तगड़ा फाइटिंग होने वाला है दोस्तों, और उस फाइट में जो जीतता है, अगर रेजिस्टेंस लेवल है तो बायर्स अगर जीतते हैं तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं दोस्तों, और उसको दोस्तों तब हमें वो ट्रेड लेना है। उसको क्यों वो ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, कौन से ऐसे पैरामीटर है कि जिससे हम इसको पुख्ता कर सके कि ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको दोनों कवर हो जाएंगे दोस्तों। अब सबसे पहले तो दोस्तों आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल तय करना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो दोस्तों जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कौन सी दोस्तों कंपनी का चार्ट है, कौन से स्टॉक का चार्ट है जिसमें हमने रिसेंटली ब्रेकआउट के जरिए से पैसे बनाए हैं। और ये दोस्तों वीकली चार्ट है, जनरली मैं वीकली चार्ट प्रिफर करता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपका एजेंडा मार्केट में ज़्यादा पैसे बनाना है तो आप लॉन्ग लेवल देखो, उसके बाद उसको डेली चार्ट के ऊपर देखो, और दोस्तों तीसरा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी हम इसको चेक करते हैं। यही दोस्तों स्टॉक जो है, जो हमने लास्ट वीडियो में बहुत बार देखा है, अभी तक दोस्तों आपको उसको नाम पता चल गया है तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पता चल गया था दोस्तों, फिर मैं इसका नाम बताऊंगा। अभी आप ऐसे ब्लाइंडली मानो कि अब हम समझ रहे हैं कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 103.51 के ऊपर एक लाइन दिख रहा है आपको दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए दोस्तों 29 अक्टूबर का दोस्तों वीक है पूरा, और वहाँ पे दोस्तों स्टॉक ने हाई बनाया है 107 का दोस्तों, बट लो कहाँ दिया है, क्लोज दिया है 96। उसके बाद ये लेवल है दोस्तों 103.80 का हाई बनाया और क्लोज दिया है 101 का। यहाँ पे आप देखिए 18 नवंबर का 104.40 का हाई बनाया, और यहाँ पे दोस्तों 105.95 का दोस्तों हाई बनाया और क्लोज दिया 100.80। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि सर ये 103.51 का आप कहाँ से लाए, तो इसको अभी अवॉइड कर लो दोस्तों, आपको पता है तो आप अपने पास रखो, अच्छी बात है, बट अभी ब्रेकआउट समझना है तो सिर्फ आप ये लेवल पकड़ लो कि भाई 103.51 का लेवल एक ऐसा 30 मार्क खा है दोस्तों, कि जो अगर टूटता है तो फिर तेजी बनती है, प्रीवियसली भी बनी थी, इस बार भी दोस्तों बन गई। अब चलते हैं दोस्तों पहली चीज़ जो याद रखने वाली होती है, वो पहली ही होती है, वो है हम डेली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जब लास्ट टाइम ऐसा तोड़ा था दोस्तों, तो फिर काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आई थी। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं, यहाँ पे आपको क्लियर दोस्तों दिख रहा है कि 103.50 का लेवल का पावर, और कितनी बार दोस्तों उसके ऊपर क्लोज होने में वो सक्षम नहीं हुआ। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर क्लोज हुआ था, बट दोस्तों देखो ना, क्लोज हुआ था उसी दिन सॉरी दोस्तों, वीडियो भी बनाया था और बोला था कि सतर्क रह जाओ क्योंकि नीचे गिरावट आ सकती है दोस्तों, नेगेटिव कैंडल है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कंटिन्यूस 3 बार टच किया, चौथे दिन ब्रेकआउट दिया, पांचवें और छठे दिन में तेजी बना दी दोस्तों। स्टॉक बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये नालको का ही स्टॉक है, बिल्कुल नालको का ही स्टॉक है दोस्तों, नेशनल एल्यूमिनियम। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे ये जो दोस्तों लेवल था 23 दिसंबर का, और ये जो लेवल है दोस्तों
6 जनवरी का, उसमें दोस्तों आपको फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकआउट दोनों का दोस्तों जायजा मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों ब्रेकआउट के ऊपर कोई क्वेरी आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ कि मैं आपको पूरा समझाने में सक्षम रहूँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले ब्रेकआउट के ऊपर नज़र डालते तो 6 जान यानी कि दोस्तों कुछ दिन पहले की ही बात है, तब दोस्तों स्टॉक ने लो बनाया था 102 का, हाई बनाया 106.20 का। देखो वो दोस्तों सॉरी दोस्तों 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप वॉल्यूम देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है पहली चीज दोस्तों। दूसरा पॉजिटिव कैंडल है, बिल्कुल दोस्तों स्टॉक ओपन हुआ था 102 का, हाई बनाया 106 का, क्लोज दिया कहाँ पे 105, यानी कि बहुत ही बढ़िया दोस्तों पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ और पॉजिटिव के साथ हुआ है, यानी कि पॉजिटिव ब्रेकआउट है और उसके बाद स्टॉक ने जबरदस्त तेजी भी बनाई हुई है। अब प्रीवियसली दोस्तों जब ये लेवल टूटा था तो यहाँ पे हम आ चुके हैं दोबारा उसी लेवल को समझने के लिए ही दोस्तों। तो ये जो लेवल था दोस्तों, ये जो कैंडल था उसको मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोस्तों 103 का जो लेवल था यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ से जैसे ऊपर आया सीधा ओपन ही हुआ है दोस्तों 103.565 के ऊपर, यानी कि जो हमारा लेवल है 103.50 का, वहाँ पे दोस्तों कोई डिस्कशन ही नहीं है, सीधा ऊपर हुआ फिर सीधे ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, दूसरा कैंडल नीचे आया 103.5 के आसपास आया, फिर दोस्तों दूसरे ही दिन यहाँ पे उसके आसपास दोस्तों क्लोज दिया और दूसरे दिन धड़ाम करके नीचे छोड़ दिया, फिर और नीचे आने की कोशिश की। तो दोस्तों हमारा लेवल था उसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर उसने जैसे हमें यहाँ पे क्लियर दिखाया कि भाई बायर्स का मूड है इस स्टॉक को ऊपर ले जाने का सॉरी दोस्तों, तो ऐसे ही मूड बना के दोस्तों स्टॉक भगाए। तो ये 15 मिनट का चार्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसे ही उसको तोड़ा गया और स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम आया हुआ दोस्तों। तो ब्रेकआउट ऐसे होता है, फॉल्स ब्रेकआउट हमने आपको बता दिया और भी बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों ब्रेकआउट के, और ये लेवल क्या है व्हाइट लाइन का उसको भी दोस्तों मैं आने वाले वीडियो में कवर करूंगा, और सारे जो अच्छे टेक्निकल पैरामीटर है जो मैं अपने वीडियो में यूज़ करता हूं, जहां पे मुझे लग रही है कि आपको थोड़ा सा दोस्तों कुछ क्वेरी लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इवन आपको मैंने आपको बोला है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर क्वेरी हो तो भी आप दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं दोस्तों। और अभी दोस्तों डीमैट अकाउंट तो हम फ्री ओपन करते ही है, उसमें भी एक अच्छी खबर है कि आपका कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं रहेगा और बहुत ही बढ़िया ऑफर आया हुआ है एंजल वन में, और 1 साल का AMC भी फ्री रहेगा। तो दोस्तों अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो ओपन कर दीजिए, जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको सारे फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल मिलते हुए दिखेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही आप कोई कॉल ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।